गुड आफ्टरनून का रिस्पांस नहीं आ रहा है, चलो पंजाब में है, सत श्री अकाल तो स्टार्ट कर दें, है ना। मैं सत श्री अकाल, अरे मैनू तो बोल लो। अच्छा सत श्री अकाल एवरीवन, सत श्री अकाल जी। ओके टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज वी आर लॉन्चिंग अ न्यू टेक्नो स्मार्टफोन, बट ऑल्सो बिकॉज वी आर इन द स्टेट इन विच इज अमंग्स द टॉप थ्री मार्केट्स व्हेन द ब्रांड वॉज लॉन्च्ड। सो एक बारी पंजाबली तालियां हो जन, तालियां मार दो पंजाबली। Thank you so much. So this journey in India started in 2017 and since then we are getting a very good response. Festive season देखो आ चुका है and Techno ने already अपनी Spark series which is specially for the festive season launch कर चुकी है and September च already दो smartphones launch हो चुके हैं. So Techno ने एक बारी जोरदार तालियां हो जाएं. Come on everyone. And today is the third smartphone launch and before that I would like to share कि Techno दी ना एक brand philosophy है which says expect more. So expect more नो मैं explain करने दी बजाय I want everyone to dive into the video. Can we have the brand video please? Alright, so with this video we can see के the youth is encouraged to expect more, explore more, and also with the best technology they get attractive prices. All this I would request the CEO Transsion India Arijit sir to please come on stage with a big round of applause. 2017 April mein when we started our journey with Techno and we launched the brand in India, we launched it in three states: Punjab, Rajasthan, and Gujarat. Chandigarh was the market where we launched first, and it was a very important market because Punjab, the state is not very big, but the smartphone penetration is very high, and people are extremely brand conscious and technology conscious. That is why we thought ki Punjab se start karte hain. Aur aapko aaj main dikhana chahunga ki abhi tak hamara journey kaisa raha aur aaj hum आप लोगों से क्यों मिले, एक बेहतरीन प्राइस में और उनको एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी दिया जाए विच इज द बेस फॉर टेक्नो. टेक्नो इज देयर इन मोर देन 60 कंट्रीज एंड एज वी स्पीक नंबर ऑफ कंट्रीज आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. मैं इंडिया का ही आपको उदाहरण देता हूं, जब हमने इंडिया ऑपरेशन शुरू किया अप्रैल 2017 में, तब हम सिर्फ इंडिया काम करते थे, इंडिया शुरू किया. अगर आप देखेंगे 7 कंट्रीज, पाकिस्तान में हम हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, म्यांमार में हैं, श्रीलंका में हैं. सो हम सारे 7 कंट्रीज में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, मिडल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका, एज वी स्पीक हमने यूरोप में टर्की में काम शुरू किया है. अफ्रीका हमारा पहला मार्केट था और अफ्रीका में हम बहुत स्ट्रांग हैं. जैसे कोई भी इंडिया में कुछ एक या दो बड़े नाम हैं जिनके बिना अगर आज मोबाइल फोन अगर आप बेचते हैं और वो एक या दो ब्रांड ना हो तो लगता है कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं बेचे. अफ्रीका में टेक्नो वैसा नाम विच इज अ हाउस होल्ड नेम. देर आर मार्केट्स लाइक केनिया, नाइजीरिया, इथियोपिया, कोटाडिवा, जहां पे वी आर बिग मार्केट लीडर्स और हम रेगुलर बेसिस पे बढ़ा रहे हैं. इमर्जिंग मार्केट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट हैं, जो कि उभरते हुए मार्केट्स हैं. एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है. अगर आप देखेंगे एशिया में 2025 तक करीब वर्ल्ड वाइड 6 बिलियन मोबाइल यूजर्स होंगे, 6 बिलियन 600 करोड़. एशिया में 65% जो फोन यूज होते हैं वो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं. 14% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है. सो पूरे अगर कॉन्टिनेंट का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 14% है, विच इज अ ह्यूज ग्रोथ. 73% जो कंज्यूमर्स हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं. 65% ओवरऑल मोबाइल यूजर्स हैं, उसमें 73% जो हैं वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं. इंडिया ट्रांजिएंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है और एज फार एज इमर्जिंग कंट्री मार्केट्स आर कंसर्न, इमर्जिंग मार्केट्स में और इमर्जिंग कंट्री में इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री. ट्रांजिएंट ने अपना बिजनेस मैक्सिमम तो किया अफ्रीका से, आज भी अगर आप रेवेन्यू या वॉल्यूम देखेंगे तो अफ्रीका हमारे लिए सबसे बड़ा है, पर इमर्जिंग कंट्रीज में आज इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है. हमने कुछ दिन पहले
फैंटम 9 लॉन्च किया, इंडिया में ही लॉन्च किया था जो कि ग्लोबल लॉन्च था। आज भी हम एक मॉडल लॉन्च करने वाले हैं जो कि इंडिया से हम पूरे वर्ल्ड को शुरू कर रहे हैं। सो इंडिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नो। टेक्नो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इतने सारे स्मार्टफोन मैंने, आप बोलेंगे इतने स्मार्टफोन ब्रांड है, आप क्या करेंगे? सर, अभी तक हमने क्या किया है? हमारा ऑब्जेक्टिव एक है कि इंडिया में 65% लोग 30 साल के नीचे उम्र के हैं। सो इट्स अ वेरी यंग कंट्री। सो इस यंग कंट्री में इंडिया कहाँ ग्रो कर रहा है? इंडिया ग्रो कर रहा है Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 मार्केट्स में। और वहां के कंज्यूमर को क्या चाहिए? आज के तारीख में सबको स्मार्टफोन चाहिए। बट आज स्मार्टफोन में जो यूथ है, यूथ को एक स्मार्टफोन में सब कुछ चाहिए। एक अच्छा स्क्रीन चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा रैम रोम चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए। पर ये सारी चीजें एक अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, क्योंकि यूथ के एस्पिरेशन बहुत हाई हैं पर मींस उतने हाई नहीं है, क्योंकि इंडिया स्टिल इज अ वेरी मिडिल क्लास कंट्री। तो इसको दिमाग में रखते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट हाउ कैन वी ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मासेस एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड एट अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम उसको क्या दे रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। इस वैल्यू के बारे में मैं बताऊंगा। वैल्यू 70% तो प्रोडक्ट होता है, पर प्रोडक्ट के साथ साथ हम उसको और क्या क्या दे रहे हैं। हम तो कहते हैं वी आर अ ग्लोबल कंपनी। वाई अ ग्लोबल कंपनी? बिकॉज वी आर अ ग्लोबल कंपनी, क्योंकि हम 60 देशों से ज्यादा में बिजनेस कर रहे हैं, पर हम लोकल कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। लोकल कंज्यूमर को क्या चाहिए? अगर आप आज अफ्रीका के कस्टमर देखेंगे तो उनको जो फोटोग्राफ फोटो लिया जाता है तो उनको ब्राइट स्किन टोन अच्छा लगता है। एशिया में देखेंगे तो उनको, बाकी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, उनको व्हाइट स्किन टोन अच्छा लगता है। देशों में काम कर रहे हैं पर हम वन फॉर ऑल स्ट्रेटेजी नहीं करते। हमारी R&D टीम हर जगह काम कर रही है। आज हमारी R&D टीम टीयर 1 से शुरू करके टीयर 5 के मार्केट्स में जा रही है, कंज्यूमर्स को समझ रही है, कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट को समझ रही है और उनका सब कुछ देख रही है कि उनका रहन सहन कैसा है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वी आर अ ग्लोबल कंपनी विद अ ग्लोबल माइंडसेट एंड लोकल नीड्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, आपको पता है कि आज के तारीख में मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये। आज 2017 में हम अपना खुद का फैक्ट्री ओपन किया है। हमने शुरू किया था SMT से, SKD से, आज हम पास CKD फैसिलिटी है। आज ट्रांजिएंट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट से शुरू करके पूरा बैकएंड इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम मैनेज करते हैं। चाहे वो हमारी फैक्ट्री हो, चाहे हमारी सर्विस हो, सर्विस का हमारा अपना ब्रांड है कालके, जिस बारे में अभी आपसे बात करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। और ट्रांजिएंट में अगर हम टेक्नो देखेंगे तो हम प्राइमरीली ऑफलाइन पे फोकस करते हैं, ऑनलाइन में हम हैं, क्योंकि 41% का मार्केट ऑनलाइन है आज के तारीख में, पर हमारा मेन फोकस जो है वो ऑफलाइन है। अगर ऑफलाइन को कंज्यूमर्स को टाइम से माल पहुंचाना है और रेगुलर काम करना है तो सप्लाई चेन इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। R&D, मैंने ऑलरेडी बोला कि R&D हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। आज के तारीख में हमारा R&D सेटअप इंडिया में नहीं है, पर हम बहुत जल्दी R&D सेटअप इंडिया में करेंगे, पर हमारे लोग अक्रॉस इंडिया R&D पे काम कर रहे हैं। इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है वर्ल्ड में, चाइना के साथ अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट अभी बराबर है। मोबाइल हैंडसेट्स में दूसरे नंबर पे है, सबसे बड़ी मार्केट चाइना है, दूसरे नंबर की हमारी है। और इसके साथ जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स बढ़ी जा रही है। क्यों नीड बढ़ रही है? क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया का GDP इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड इट इज डूइंग वेल। ग्रो करेगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो एस्पिरेशन बढ़ेगा, एस्पिरेशन बढ़ेगा तो उनको ज्यादा चीजों की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम सिर्फ मोबाइल फोन और एक्सेसरी पे काम नहीं करेंगे, हम काफी न्यू बिजनेस पे भी काम कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा।
100 डेज वारंटी, और ज्यादातर कंपनियां 12 महीने की वारंटी देती हैं, हम 12 प्लस 1 13 महीने की वारंटी देते हैं। जैसे मैंने बोला 958 सर्विस सेंटर्स हैं, 700 के ऊपर टाउन में, दो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड सर्विस सेंटर है, एक मुंबई में है और एक नोएडा में। आज का यूथ क्या है, आज के यूथ को क्या चाहिए? आज के यूथ को चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो। एज आई सेड, ही वांट्स अ गुड रैम रोम, अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले, अ गुड बैटरी, अ वंडरफुल कैमरा, बट व्हाट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ही वांट्स ऑल दिस एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई बट मीन्स आर नॉट वेरी हाई। सो आज इंडिया मार्केट में ये है कि आप सब कुछ कैसे दे सकते हैं पर उसको अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, और जब अफोर्डेबल बना रहे हैं उस अफोर्डेबिलिटी के साथ अगर आप ये 111 प्रॉमिस दे रहे हैं तो वो अपने आप में ही हमारी क्वालिटी का एक तरह से अनाउंसमेंट है। बिकॉज इंडिया में ये बोलते हैं कि अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो जरूर क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी, but 111 promise assures that is the confidence that we have। youth aaj ki tarikh mein, aaj main bhi, mere ko abhi bhi aadat hai ki subah chai ke sath newspaper padhna bahut zaruri hai। jab tak physical newspaper main nahi padhunga mere ko mushkil hoti hai, kabhi early morning flight wagaira pakadna hota hai, airport mein jaake sabse pehle newspaper pakadta hu, par main flight mein bachcho ko dekhta hu, jab tak flight nahi uthta वो ऐप यूज करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी फोन, वो मोबाइल पे न्यूज पढ़ते हैं। सो दे वांट टू बी अपडेटेड, बट चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़न हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उनके लिए जिंदगी एक 6 इंच का स्क्रीन है और उनको सारी चीजें इस जिंदगी इसमें चाहिए। उसको एक बहुत अच्छा कैमरा चाहिए। हमने जो टेक्नो में लॉन्च किया था, हमने आई सीरीज से शुरू किया था 2017 में। आपको जान के खुशी होगी आई सीरीज इंडिया सीरीज था, जो कि हमने ग्लोबली सिर्फ इंडिया के लिए लॉन्च किया था, तो इंडिया के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था। आप में से काफी लोग हमारे लॉन्च में आए होंगे, तो आई सीरीज तब हमने लॉन्च किया था। जब हमने कैमन लॉन्च किया तो कैमन इज कैमरा सीरीज, टेक्नो इज फेमस फॉर एनी लाइट कैमरा। आज यूथ को देखेंगे तो वो सुबह उठते सेल्फी लेते हैं, उसको इंस्टाग्राम में डालते हैं, रात को सोने से पहले सेल्फी लेते हैं, उसको इंस्टाग्राम में डालते हैं। तो उनको इससे मतलब नहीं है कि लाइट कितनी है, धूप सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, उनको चाहिए किसी भी एंगल से फोटो लो, मैं अच्छा देखना चाहिए या चाहिए। वैल्यू प्राइसिंग, आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट वैल्यू प्राइसिंग। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट दैट वैल्यू प्राइसिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्राइस, हमने अभी 3 मॉडल लॉन्च किए हैं जिस बारे में आपको अभी डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक मॉडल आज हम लॉन्च करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट आर वी गिविंग इन दैट प्राइस पॉइंट एंड आर वी इंडस्ट्री फर्स्ट, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। टेक्नो सॉल्यूशन क्या है? देखिए सर, जनवरी 2018 में हमने कैमन आई लॉन्च किया। कैमन आई उस सेगमेंट पे पहला फोन था जो कि 3 GB रैम, 32 GB रोम में फुल व्यू डिस्प्ले का था, एट 8999 प्राइस। इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं था, इट वॉज इंडस्ट्री फर्स्ट विद अ 111 प्रॉमिस, एंड इट रियली क्रिएटेड ह्यूज न्यूज अक्रॉस। हाँ जी सर, आज भी हम कुछ टॉप जो 2-3 ब्रांड है, घरेलू नाम अभी तक नहीं बन पाए, हम उस पर काम कर रहे हैं, पर सारे काम एक साथ नहीं होते। पहले हम पूरी तरह से प्रोडक्ट और ब्रांड, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोपोजिशन पे काम कर रहे हैं, सर्विस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमने स्पार्क सीरीज लॉन्च किया। स्पार्क सीरीज में हमने 2 मॉडल लॉन्च किया, स्पार्क गो और स्पार्क 4 एयर। पहली बार डॉट नो स्क्रीन के साथ 6.1 इंच HD प्लस जिस प्राइस में हमने लॉन्च किया, उस प्राइस में ऑफलाइन ऑनलाइन पे कोई भी हमारे को कंपीट नहीं कर पा रहा था। देयर इज नोबडी क्लोजली एसोसिएटेड द अपर नॉर्थ एरिया। फैंटम सीरीज हमारा प्रोडक्ट, हमने ग्लोबली फैंटम लाइन इंडिया में लॉन्च किया था।
ये पहला मॉडल है जो कि हमने ऑनलाइन में शुरू किया, अभी ऑफलाइन में है, फ्लिपकार्ट के साथ हमने शुरू किया था, क्योंकि हमारे को लगा कि आज के तारीख में GfK जो रिपोर्ट आती है उसमें 41% शेयर अभी ऑनलाइन का है। तो कई बार हमारे को कंप्लेंट आता था कस्टमर्स का कि जब आपके हमारे कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पे जाते थे, वेबसाइट से जब वो किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते थे, शॉपिंग किसी पोर्टल में जाते थे जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न, उनको हमारा मॉडल दिखता नहीं था, तो इसलिए हम काफी कस्टमर्स लूज करते थे। सो हमारा फोकस ये है कि हम ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड रहेंगे पर ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस जरूर रहेगा।